नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दी है। ठंड के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। मोगा की बात करें तो यहां पर पिछले 20 दिनों से सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो रहे। वहीं सर्दी की वजह से वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। आपको बता दें कि ठंड के कारण वाहनों की रफ्तार जो है वो काफी धीमी पड़ी हुई है। मोगा की तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से लोग अलाव का सहारा लेने को यहाँ पर मजबूर हो रहे हैं, आग जला रहे हैं ताकि सर्दी से थोड़ी सी राहत उनको मिल जाए। लेकिन बावजूद इसके ठंड इतनी ज्यादा है, शीत लहरें इतनी ज्यादा चल रही है कि लोगों को किसी भी तरीके से सर्दी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। वही वाहनों की रफ्तार आप देखिए किस तरीके से काफी धीमी हो चुकी है, क्योंकि सुबह के समय इतना ज्यादा कोहरा यहाँ पर पड़ता है कि लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं वाहन से जाने में यहाँ पर। सारिया ने बहुत घट रफ्तार ना गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी 80-85 से जाके टाइम कवर करती थी, 30-35 स्पीड ना गाड़ी जाती है, बहुत प्रभावित होया पेगा। ये गाड़ी एक घंटे कवर करती है टाइम, तो हम 1.5-2 घंटे लगे, 1 घंटा 40-45 मिनट गाड़ी पहुंचती है मंजिल से। इस टाइम धुंद बहुत होंगी है, वो करके कारा जी पाले जो साडा सहारा लैके मगर तुरदे, लाइटा फुल कर पे तुर पेंदे और सानू अगे दिखता नहीं, वो बहुत मुश्किल आती है ड्राइविंग। सूरज निकलने को कितने दिन हो गए जी? अभी ऐदा ही चल रही ठंड जी, तो ऑफिस जाने को कितनी प्रॉब्लम आती है जी? पहाड़ी इलाकों